नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स को आप बिल्कुल एकदम बच्चों जैसा खेल कर रहे होंगे और हमारी जो क्लास है उसको भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। 6 क्लासेस हमने बना दी अभी तक, 7वीं क्लास है। बिल्कुल धीरे धीरे रोज 8 बजे आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास देते हैं, कहीं कुछ भी नहीं, जिसमें आप आराम से अपनी क्लास को देख सकते हो। ठीक है, रोज इस क्लास के साथ रहिएगा सर, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं 20 मिनट की क्लास देता हूँ, अगर आप सही ढंग से हल करें तो उसको 10 मिनट में सारे सवाल हल कर सकते हैं। आप इस क्लास को देखने का नज़रिया है कि जब पहला सवाल आए वीडियो को पॉज करिए, उस सवाल को आप बनाइए और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए, बस यही काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जान और खान मोटरसाइकिल पर एक निश्चित बिंदु के साथ चलते हैं, निश्चित बिंदु के साथ एक विपरीत दिशाओं में यात्रा करना शुरू करते हैं। उसमें जान की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और खान की गति 35 किलोमीटर घंटा, उनके बीच की दूरी 15 मिनट के बाद कितनी हो जाएगी? देखो यहां से ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है, इसकी एक की दूरी है 35 स्पीड और एक की है 25। अब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है 35 और 25 कितना हो जाएगा आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती है। 15 मिनट में कितनी? तो 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, तो 60 का 1/4 कितना होगा? 15, तो ये 15 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये आपने कैसे कर लिया, हम कहाँ कौन पढ़ना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? दूरी आपकी निकालना है तो आपको क्या निकालना है, कितनी दूरी करेगा? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 60, समय है 15 मिनट, परंतु अपने को करना पड़ेगा 60 का भाग, क्योंकि घंटे में बदलना है, 60 से 60 गया। ऐसे भी सोचो, जैसे सोचो वैसे सोचो, उत्तर आना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए आरेख में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। अब आपको बताएं टोटल कितने लोग हैं? 500। 500 में 120 सरकारी नौकरी वाले, बहुत अच्छी बात है। 20 ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी और व्यापार भी करते हैं, 190 उसमें से व्यापार। अब आप इसको थोड़ा सा जोड़िए, इन सबको जोड़ लीजिए, चलो जोड़ देते हैं। 190 और 20 कितने होते हैं? 210। 210 और 120 कितने होते हैं? तो ये हो गया आपके पास 330। कितने लोग होंगे? 330। अब 330 लोग कामकाजी वाले हैं, तो इसका मतलब होता है 500 में से 330 गए तो कितना बचा? 170। 170 क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। बात खत्म। चलिए आगे, टचक 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। देखिए, अब जब इस प्रकार से ओड नंबर आपको निकालना रहता है तो ओड नंबर में सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप संख्या को देखिए। कभी कभी देखो ये 60-54 में कुछ प्राथमिकता दिख रही है, 20-32, 50-57, 50-27, देखो क्या देखते हो, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लॉजिक एक साथ लगते हैं। अंकों को जोड़ भी लीजिए, 4, 5, 9 और 6, 15 होते हैं, 3, 5, 7 होते हैं, 7, 9, 14 होते हैं, है ना, 8, 10, 12, 17 होते हैं। अब आप देखो इसके अंकों का योग विषम है, इसका भी विषम है और इसका भी विषम है, इसका क्या होता है? सम है। तो इसका मतलब ये संख्या भी हो सकती है। इसका एक लॉजिक और हो सकता है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या है, परंतु ये क्या है? विषम संख्या है। ये भी इसका लॉजिक है, लॉजिक बहुत सारा। अब दो लॉजिक इसके साथ लग रहे हो और दोनों से अपने को तीसरा उत्तर मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 50 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें 10% दूध है। 10% दूध का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसका मतलब होता है 10 में से 1 दूध है तो पानी कितना है? 9। यही बात कहना चाहता है, दूध और ये पानी का मिश्रण, इसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध 20% हो जाए। अब दूध का 20% हो जाना का मतलब होता है 1/5 हो जाना, यानी 5 में से 1 हो जाना। तो दूध कितना बचा, ये पानी कितना बचा? 4 बचा। ठीक है ना, बात समझ पाए मेरी? इस प्रकार से अब इसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, इसका मतलब होता है दूध मिला रहे हैं तो इसका मतलब कौन है? पानी बराबर है। पानी का बराबर का मतलब होता है पानी समान है। पानी समान है का इसका मतलब होता है यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे किसका गुणा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीका बता दो, ये करिए, अब करो गुणा अंदर, तो ये हो गया 4×9=36, ये है गया 9×36। ठीक है, अब आप सोचो 36 और 40 कितना होता है?
36 और 4 कितना होता है 40। ये 40 किसके बराबर है 50 लीटर के बराबर। अब वो होता है कितना दूध और मिला रहा है, तो 4 और 9 का अंतर कितना हुआ 5, 5 दूध और मिला रहा है तो 5। ठीक है, सिंपल सी बात है, 0 से 0 कटा, 5 5 25, 25 बटे 4, 25 बटे 4 का मतलब होता है 6.25 लीटर। सिंपल सी बात, ऐसा क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा और तरीके से भी सोच सकते हैं इसको कि सर कैसे सोचेंगे, और सोच सकते हैं 50 लीटर में 10% दूध है, 10% दूध का मतलब होता है 50 लीटर में 5 लीटर दूध है और 45 लीटर पानी है। बाद में भी 45 लीटर पानी रहता है परंतु दूध मिला देता है और वो दूध 20% हो जाता है। इसका मतलब होता है ये कितना परसेंट हो गया 45, 80% हो गया। भाई 45 कितना हो गया 80% हो गया, तो 45 अगर 80% के बराबर है तो 20% किसके बराबर है, यही सोचना है अपने को, तो बस और क्या। ठीक, या फिर 10% कितने के बराबर है, क्योंकि पहले था 10% दूध, अब हो गया 10%, इससे भी अपना काम चल जाएगा। तो ये 0 से 0 कटा और 45 में 8 का भाग दो, 45 में 8 का भाग दोगे तो भी आपको 45 में 8 का भाग दोगे तो 6.25 50 लीटर दूध है, 50 में से 4, चाय के 50 लीटर नए मिश्रण में दूध 20% हो जाना चाहिए, दूध 20% होना चाहिए, ये 20% हो जाना चाहिए, तो कितना और मिलाना चाहिए। हाँ, तो 45 किसके बराबर हो गया, 45 पहले किसके बराबर था 90% के बराबर, अब यहाँ पे 45 किसके बराबर हो गया 80% के बराबर, तो 20% किसके बराबर है ये आपको देखना है, 45 80 के बराबर तो 20 किसके बराबर है आपको देखना है, 20 एकम 20, 20 चौक 80। अब इसको यहाँ पे आप काट भी सकते हैं कि 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दुनिया 8 और 4 5 20, 11.25। तो ये कितना हो गया 11.25। अब ये 5 था और ये 11.25 हो गया, तो कितना बढ़ गया 6.25 लीटर बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये दोनों ही तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक कार घर से 40 किलोमीटर प्रति गति जाती है, घर वापस आने में बहुत ट्रैफिक है इसलिए कार की गति 20 हो जाती है, तो कार की औसत गति कितनी है? आपको पता है सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट स्पीड S1 एंड S2 और डिस्टेंस क्या है T, देन एवरेज स्पीड इज, औसत चाल होगी 2 गुणित दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का जोड़, यही सब होता है हमेशा जब औसत चाल ऐसे, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो यहां पर हो गया 2 × 40 × 20 बटे 40 और 20 60, ये हो गया 0 से, ये 0 कटा, 2 एकम 2 2 3 6, 40 × 80 80/3, तो 3 × 6 2 बचा, 3 × 6 18, 2 बचा वही ये वाला 26.67। ठीक, आया समझ में, क्यों नहीं आएगा, होशियार हो सब। दो संख्याओं का अनुपात इतना है उनका एलसीएम, तो पहली संख्या क्या है, एक बात हमेशा रहता है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका एलसीएम 150 है, तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एचसीएफ हमेशा होगा 150/5×3, तो कितना होगा 5 × 3 = 15, 15 = 10, तो एचसीएफ कितना हो गया 10, तो संख्याएं क्या हो जाएगी 5×10 और 3×10, अनुपात हमेशा होता है तो उसमें एचसीएफ का गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त हो जाती है। अब पहली संख्या 10 × 5 = 50, उत्तर कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस सवाल को करना है आपको, देखिए आपको नहीं सवाल समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अब इस सवाल को बताना है, अब 11 का भाग देना है। देखो ये सारा मामला आप देखिए, इधर 23 में 5 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना का मतलब होता है ऊपर दुगुना करो, तो 23 का दुगुना कितना होता है 46, इसमें 4.6 होता है, 4.6 में 1.4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर है स्क्वायर रूट,
तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये खाली हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा 18/7 गुणित क्वेश्चन मार्क और भागित 11, ऐसा भागित 11 होगा तो 11 उधर से चल जाएगा, यानी इसका मतलब सवाल हो जाएगा 36 और 11 भाग में होगा तो ये इधर आ जाएगा 11, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा कौन सा 18 में 7 का भाग दिया और गुणित क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है 18 में 7 का भाग दिया और उसके साथ क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन मार्क अकेला छोड़ने के लिए आपको यहाँ से कहते हो 18 एकम 18, 18 दूना 36 और उसके बाद यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 में 11 का गुणा, और किसी भी संख्या में 14 11 का गुणा करने का मतलब होता है 4, 5 और 1, 4 एकम 4 एकाएकांक 1 1 ही। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए हो तो एक बार और देखिए सवाल को। देखिए सवाल ये 23 में 5 का भाग दिया 4.6 1.4 से हुआ तो 6 और दोनों का वर्ग किया तो 36 हो गया। यहाँ पे 11 का भाग देंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा, यहाँ 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36 आ जाएगा, 11 दूना 22, 22 में 7 का गुणा किया तो 22 7 154 होता। ठीक है, देखिए आप पहली बार किया स्पीड कम थी, दूसरी बार किया और ज़्यादा स्पीड हो गई। अगला सवाल आपके पास है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। देखिए यहाँ से देखते हैं 42/7, अब 42/7 तो वैसे ही 7×6 42 होते, 7 एकम 7 7 दूनी 14 होता है, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 होता है, तो यहाँ पर कितना बचा है? ये पूरा मामला है 3 का। ठीक, अब यहाँ काटते हैं, देखो सवाल टफ नहीं है, यहाँ से काटते हैं 28 को अगर 4 से काटेंगे तो 4×7 28 और 4×9 36, तो अब यहाँ कितना बचा, और 289 को 17 से काटेंगे तो 17×17 289। ये हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ दाल में काला इसलिए लग रहा है क्योंकि सवाल जो है वो ऑप्शन थोड़े से अलग अलग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये कितना हो गया 17, ये माइनस हो गया 9/7 और यहाँ से 3 बचेगा तो ये -3, ये सब सवाल है। 17 में से 3 गया तो कितना बचा 14 -9/7, 14×7 कितने होते हैं 98 में से 9 गए तो कितना बचा 89/7। अब यहाँ पे 89/7 आ रहे हैं, अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं ये किसको 89/7 के पास होंगे, तो आप ये देखिए कि आपके पास 432 में 7 का भाग देने पर जा रहा है कि 7×42 7×7, ये जान ही रहा है। चलो इस सवाल को थोड़ा सा अभी रिफ्यूज करते हैं क्योंकि ये क्या कहना चाहता है, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई, इसको सरल कीजिए 85+22-40×80 कुछ नहीं, 40×2 80, 85 में से 80 गए तो कितना बचा 5 और 5×22 से जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। सवाल में कुछ भी दिक्कत नहीं है। आठवां सवाल, 1 विलियन में अल्कोहल की सांद्रता को 80% करने के लिए 25% अल्कोहल वाले 16,500 मिलीलीटर विलियन में कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाई जाना चाहिए, अब बताइए इसमें। चलिए अब ये सवाल हमारे पास है, बहुत सरल सा सवाल है, चलिए अब देखो 1 विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितना है 80%। अब अल्कोहल की मात्रा अगर 80% हो गई तो कोई बात नहीं, होने दो ना 25% पहले है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब होता है 1 अल्कोहल है और 3 पानी है, माना कि 80% करना है मतलब 80% का मतलब 4/5 मतलब 4 अल्कोहल हो जाना चाहिए और 1 पानी हो जाना चाहिए, परंतु पानी बदल नहीं रहा है इसका मतलब होता है इसमें 3 का गुणा कर दूँ मैं, इसका मतलब होता है 1 3 और यह हो जाएगा 12 और
ये पानी हो गया। कितना अल्कोहल मिलाना पड़ेगा? 11। मिश्रण कितना है? 16,500। 16,500 कितने के बराबर है? 1 और 3 4 के बराबर है, क्योंकि शुरुआत का मिश्रण 4 है। कितना मिला है? 1 में 12 हो गया तो कितना हो गया? 11 मिला है। बस 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 और 5 20। अब किसी भी संख्या में 11 का गुणा आपको आता है 5, 7, 3, 5 और 4, 45,375। इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत सवाल है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। चतुर्थानुपाती, सिंपल सी बात है, 11वां सवाल का चतुर्थानुपाती। तो 12/21 बराबर 6/x, ये चतुर्थानुपाती हो गया। तो x निकालना है, मतलब 6×21/12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 21/2 मतलब होता है 10.5। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने फिर 11 सवाल किए। देखो, आपको करने का इसका एकमात्र ढंग यही है कि आप वीडियो के इस क्वेश्चन को पॉज करिए, आप खुद क्वेश्चन को बनाइए, कितना समय लेते हैं, और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।